हेलो, गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आपको याद होगा, मैं क्विक रिकैप करूंगा। कल बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और डाइपोल का पोटेंशियल के बारे में शायद हमने ऑन एक्सिस पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया था, राइट? कैन यू प्लीज रेस्पॉन्ड, क्या कल पोटेंशियल के बारे में बात हुई थी डाइपोल की? ऑन एक्सिस पॉइंट्स पे बात हुई थी क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमने दो पॉइंट्स पे निकाले थे, ऑन एक्सिस एंड ऑफ एक्सिस पॉइंट्स, ठीक है। ऑन एक्सिस पे हमने उसके एक्सिस पे निकाला था, और ऑफ एक्सिस पे दो पॉइंट्स पे निकाला था, एक परपेंडिकुलर पे निकाला था और एक कोई भी आर्बिट्ररी एंगल थीटा पे और आर डिस्टेंस पे निकाला था, इफ यू रिमेम्बर। और मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर एट एन एंगल थीटा विद द डाइपोल जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है केपी बाय आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, रिमेम्बर। और वो जिस एंगल पे चल रहा था, बेसिकली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स थे अगर आपको याद होगा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा था, एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा था, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट था वो कुछ ऐसे आ रहा था एट एन एंगल अल्फा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ये थी और इसकी डायरेक्शन थी एट एन एंगल ऑफ थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम द पी कैप वेक्टर, राइट? अगर आपको याद होगा ये हमने बोला था, और इसको मैंने बोला था कि ये वाला फॉर्मूला आप ज्यादा याद रखें और इसी फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू पुट करते चले तो यू विल गेट योर आंसर, इफ यू रिमेम्बर। याद आ रहा है आपको? गुड। अभी देखो, मैंने कल पोटेंशियल के बारे में बात की थी क्या और नहीं की थी? पोटेंशियल, कैन यू प्लीज कंफर्म, पोटेंशियल के बारे में बात की थी क्या? हाँ, पोटेंशियल किसका? ऑन एक्सिस पॉइंट्स पे। ओके, पोटेंशियल ऑन एक्सिस पॉइंट पे मैंने बात कर ली थी, अभी थोड़ा ऑफ एक्सिस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? सपोज आपके पास एक डाइपोल है, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है, और सपोज ऑन एक्सिस ऑफ एक्सिस पॉइंट पे आप ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मान लो इसके बीच की दूरी है 2L, तो ये दूरी L है और ये दूरी L है। इस जगह पे मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल अगर निकालना है माइनस क्यू के कारण, इस जगह पे पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज इट इज डिस्टेंस डी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस क्यू के कारण उस जगह पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल आ रहा है वहां पे जीरो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालने की बात करें बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट वुड बी जीरो, इट वुड बी जीरो। प्लीज ध्यान से देख, ठीक है। तो एक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं कोई पॉइंट लूं, पॉइंट पी सपोज, और यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, तो पोटेंशियल कैसे निकला? के माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और के क्यू बाई अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, तो आपको जीरो मिल जाएगा। क्लैरिटी यही है। तो दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। सपोज पोटेंशियल हमें किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट एट एन एंगल थीटा और आर्बिट्ररी पॉइंट एट डिस्टेंस आर पे, यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालनी है तो इसे कैसे निकालेंगे? सपोज मैं बोलूँ कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो आपकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इधर है। इस डाइपोल मोमेंट के आप दो कंपोनेंट्स लीजिए, एक कंपोनेंट इधर
which is equal to p cos theta, because dipole moment एक vector quantity है, तो आप ऐसा कर सकते हो. और दूसरा component इस तरफ इसके perpendicular, which is like p sin theta. I hope you got this. P cos theta, p sin theta. तो p cos theta के कारण इस point पे अगर मुझे potential निकालना है वो कितना हो जाएगा. ऑन एक्सिस पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ जो आपको सिखाया गया था. ऑन एक्सिस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ जो आपको सिखाया गया था. क्या केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर आएगा? पोटेंशियल माइनस कैसे आएगा दोस्त? डायरेक्शन देख डाइपोल का. डाइपोल का डायरेक्शन के साथ तेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा. तो तू जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहा है वो प्लस चार्ज के करीब है, तो प्लस चार्ज डोमिनेट करेगा ना. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वो होगी केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे डी नहीं होगा, डी की जगह पे यहाँ पे आर होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो दूरी हो रही है वो आर होगी. So, KP cos theta by R square होगा. ये होगा ये ब्लू वाले डाइपोल के लिए, बट ये रेड कलर वाले डाइपोल के लिए यहाँ पे जीरो आएगा क्योंकि ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे. तो आपका नेट नेट पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा KP cos theta by R square. दिस विल बी योर नेट पोटेंशियल. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तब लॉजिकली सोचो, आपको मैंने अगर मैं बोलूं कि 90 डिग्री पे निकालो, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालो, तो वो पॉइंट 90 डिग्री निकालने के लिए थीटा के लिए 90 डिग्री पुट करनी पड़ेगी, तो वो जीरो आ जाएगी. देखो लास्ट में रिकैप में मैंने जीरो ही लिखा हुआ था यहाँ पे. क्या मेरी बात समझ में आई है? इट इज जीरो. तो आप अगर इसका ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो इट वुड बी बेटर फॉर यू. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट वुड बी बेटर फॉर यू. क्या क्लियर है ये? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखें, इट वुड बी मच बेटर फॉर यू. ठीक है, आइए. एंड सिमिलरली अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे बोलूं तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इट विल बी केपी आर स्क्वायर. और अगर मैं इसको ध्यान से देख, अगर मैं इस जगह पे कोई पॉइंट बोलूं, देख मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इस तरफ में अगर कोई पॉइंट बोलूं, सपोज दिस इज अ नॉन एक्सिस पॉइंट पॉइंट पी एंड दिस इज अ नॉन एक्सिस पॉइंट पॉइंट क्यू. अगर मैं ऑन एक्सिस पॉइंट पॉइंट पी पे निकालने के लिए बोलूं तो थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री है, तो आपकी रिजल्ट आ जाएगी केपी बाय आर स्क्वायर. लेकिन अगर मैं पॉइंट क्यू पे निकालने के लिए बोलूं, इट विल बी केपी कॉस ऑफ 180 डिग्री. क्या आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज आप क्यू पे जाओगे तो आपको थीटा 180 डिग्री बनानी पड़ेगी, तो वो आ जाएगा केपी कॉस ऑफ 180 डिग्री बाय आर स्क्वायर. कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 1 होता है. अरे समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स है भाई. क्लैरिटी है क्या एवरीवन? क्या क्लियर है ये? गुड. सो आप जैसे मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप याद रखो KP by RQ under root of 1 plus 3 cos square theta. ये देखो KP by RQ under root of 1 plus 3 cos square theta. क्या मैंने ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जेनरिक फॉर्मूला रटने के लिए बोला है? इससे आप इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट किसी भी पॉइंट के लिए आप निकाल सकते हो, यस और नो? उसी तरीके से अगर आपको यू नो पोटेंशियल निकालना है तो बेटर है कि आप याद रखें कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, विच इज केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. और इससे आप इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट किसी भी जगह पे, पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, लॉजिकली भी, मतलब फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और लॉजिकली भी. देखो लॉजिकली इस चीज को कैसे समझेंगे, अगर आप पॉइंट क्यू की बात कर रहे हो, पॉइंट क्यू किसके ज्यादा करीब है? माइनस क्यू के. तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, तो इसकी जो नेट पोटेंशियल होगी वो माइनस में आएगी, जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करने पर आई जाती है आपके लिए, यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर. तो आपने पोटेंशियल निकाल ली है, तो यू गॉट इट राइट. अब इस पे सवाल कैसे हो सकते हैं, ध्यान से देखें, इस पे सवाल कैसे हो सकते हैं? इस पे सवाल होगा, सपोज मैं बोलूं ये एक मेरा डाइपोल है
ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, एक प्लस टू कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लाया गया. व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये डाइपोल है और डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो है फाइव कूलम मीटर. बता सकते हो क्या? ये देखो, आपने सीखा हुआ है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल यू. यस और नो? क्या आपको याद आ रहा है आपने ये सीखा हुआ है? तो विच इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल यू, मतलब क्यू इंटू वी इनिशियल विच इज पॉइंट ए माइनस वी पोटेंट बी. व्हाट इज वी? V is the potential. What is the potential at point A and point B? तो point A पे potential कितना हो जाएगा? ये formula है potential का. Kp cos theta by r square. P की value है 5. K is 9 into 10 to the power 9. Solve कर सकते हो आप. P की value है 5 cos theta. A के लिए theta कितना होगा? याद करो मैंने आपको सिखाया था theta आप इसी direction में लोगे. So, ये थीटा है 127 डिग्री. यस और नो? 127 डिग्री मतलब कॉस ऑफ 127 मतलब कॉस ऑफ 90 प्लस 37 अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10 स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्यू इंटू वी ए इज बेसिकली प्लस 2 इंटू दिस. इसकी वैल्यू बताइए सब लोग कितना आ रहा है? सब बताएंगे. Yes or no? क्या आ जाएगा? अच्छा, सिमिलरली पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना आएगा? पॉइंट बी का पोटेंशियल आएगा 9 into 10 to the power 9 into 5 into cos of 37 degree upon 25 k की वैल्यू और ये प्लस 2. ये है q into vb. अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है तो आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आई है? कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हो? यस, पक्का? एवरीवन 100%? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक. अभी देखो, तो ये हमने अभी क्या पढ़ा? हमने ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है एक्सियल पॉइंट पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे, किसी भी जनरल एंगल थीटा पे, इसके ऊपर हमने चर्चा की. और फिर चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया मतलब डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना वर्क डन हुआ ये हम लोगों ने देखा. ठीक है, इस पे और कुछ अच्छे सवाल देखते हैं. देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तुमको. सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि एक चार्ज है प्लस क्यू, इससे डी दूरी पे एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से. ठीक है,
ये आप मान लो ये वैल्यू जो है एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई चार्ज ऑन द डाइपोल। डाइपोल की टोटल लेंथ जो है ये 2L मान लो, और आपको पता है कि 2L इज मच मच स्मॉलर देन d। कैसे करोगे इस सवाल को, एक मिनट सोचो सब लोग फास्ट। देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, ये प्लस क्यू जो है ये प्लस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू के इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन ये वैल्यू आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये प्लस क्यू जो है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू के इनटू क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसा है देखो। अभी मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स लूंगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और इसके भी दो कंपोनेंट लूंगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी ऐसा करो कि ये एंगल अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये जो हॉरिजॉन्टल वाला गया विच इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज d अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, विच यू कैन सिंप्लीफाई एज डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, बिकॉज एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d, सो यू कैन राइट दिस, यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस एज के क्यू क्यू डी अपॉन डी क्यू। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट, और वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट कितना हो गया, वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट हुआ के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू एल बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें भी अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी के क्यू क्यू एल by d square plus square 3/2, l square को neglect कर दो, in comparison to d square by 3/2 ये d cube आ जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम ये नीचे वाले forces का resolution करोगे तो जो horizontal component है वो आ जाएगा फिर से cos theta which is equal to d by under root of d square plus l square, जिससे मैं simplify कर सकता हूँ k q q d by d cube या के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। तो आप देखोगे कि इधर का जो के क्यू क्यू बाई डी क्यूब है ये वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला कॉम्पोनेंट कैंसल हो जाएंगे, और वर्टिकल जो है, ध्यान सुनना, वर्टिकल वाला जो है दो कॉम्पोनेंट जुड़ रहा है, एक कॉम्पोनेंट है तुम्हारा साइन थीटा वाला जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो के क्यू क्यू एल बाई डी क्यूब, और इधर भी जो कंपोनेंट आएगा ये भी यही आएगा के क्यू क्यू एल बाई डी क्यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जो नेट फोर्स है, फोर्स नेट, इट विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इट विल बी टू के क्यू क्यू एल बाई डी क्यू। तो क्यू इंटू टू एल जो है ये
टू, ये क्यू और ये एल, क्या ये पी के बराबर है? तो इट विल बी के पी क्यू बाय डी क्यू. दिस इज व्हाट इज योर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल बिकॉज ऑफ द चार्ज प्लस. तो ये आपने एकदम बेसिक से चला आपने और आपने इसे सॉल्व किया. इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है तो. जितना फोर्स, सुनना ध्यान से, जितना फोर्स प्लस क्यू डाइपोल के ऊपर लगाएगा, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर से उतना ही फोर्स डाइपोल प्लस क्यू के ऊपर लगाएगा? तो तुम अगर डाइपोल प्लस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ये निकाल दो, तुम्हारा बात बन गया. अब ये प्लस क्यू जो है ये डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे सिचुएटेड है. तो अगर मैं एक डाइपोल दूं तुमको जिसकी डाइपोल मोमेंट पी है और इससे डी दूरी पे अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल के कारण, क्या वो डाइपोल के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है? एंड इट इज इक्वल टू के पी बाई डी क्यू. यस और नो? यस और नो? के पी बाई डी क्यू. आर क्यूब होता है तो आर यहाँ पे डी है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्यू है. तो क्या देयरफॉर फोर्स प्लस चार्ज है? तो फोर्स विल बी के पी क्यू बाई डी क्यू. एक लाइन में आ गया. स्मार्ट मेथड. अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तुमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, बट ऐसा करोगे तो ये स्मार्ट मेथड है. सबको समझ में आया क्या? इज द स्मार्ट मेथड. हम ऐसे भी कर सकते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? पक्का 100%? कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? बोलो. सबको क्लैरिटी है? ओके. अब सुनो देखो ध्यान से. सो यू गॉट द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द प्लस क्यू चार्ज एज kp by d cube into capital Q. चलेगा? अब देखो, क्या प्लस q जो फोर्स लगा रहा है डाइपोल के ऊपर, क्या वो डाइपोल को रोटेट करा सकता है? लॉजिकली सोचो. अगर तुम तुम्हारी बुद्धि चल रही है ना, तुमको एक बात समझ में आएगी. ये जो kq q d by d cube और kq q, इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर. ये जो फोर्स है, अगर तुम देखोगे ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं. मतलब बॉडी के ऊपर एफ नेट जीरो है. लेकिन याद करो, मैंने आपको सिखाया है, अगर एफ नेट जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि टॉर्क नेट भी जीरो हो. ये जरूरी नहीं है. मैंने बताया था आपको, याद है, कि अगर एफ नेट जीरो है हो तो ये जरूरी नहीं है कि टॉर्क नेट भी जीरो हो. तो यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे टॉर्क नेट है. तो अगर टॉर्क नेट है तो टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क विल बी वन ऑफ दिस फोर्सेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम. टॉर्क विल बी के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर इंटू टू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस और नो? और ये जो टॉर्क लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर, अगर डाइपोल फ्री टू रोटेट है तो ये टॉर्क इस डाइपोल को किस पॉइंट के अबाउट में घुमाएगा? रोटेशनल मोशन. अगर ये डाइपोल जो है ये फिक्स्ड नहीं है, इट इज नॉट हिंज्ड अबाउट एनी पॉइंट, और इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो क्या ये किसी एक्सिस के अबाउट में घूमेगा? किस एक्सिस के अबाउट में? यस, इट इज एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड दैट एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर. तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? बोलो. टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन आर क्रॉस एफ करो. टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? क्या ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर है या व्हाइट बोर्ड के नीचे है? टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन, टॉर्क वेक्टर इज आर क्रॉस एफ.
यार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो यार, तुम लोग कुछ भी बताने से तुम लोग रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया देते हो। ये सब रोटेशनल मोशन कितने अच्छे से तुमको पढ़ाया है, कम ऑन, यू हैव टू आंसर दिस। अगर बॉडी फ्री टू रोटेट होता है, किसी पॉइंट के बॉडी में हिंज नहीं होता है, तो जो टॉर्क लगती है बॉडी के ऊपर, वो टॉर्क उस बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट में घुमाती है, वो एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, कौन सा एक्सिस होता है वो? इज इट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास? अगर फ्री टू रोटेट है तो, एंड सेंटर ऑफ मास से तो बहुत सारे एक्सिस क्रॉस कर सकते, तो सेंटर ऑफ मास से तो वन तो इनफिनिट नंबर ऑफ एक्सेस क्रॉस कर सकते हैं। तो किस एक्सेस की बात कर रहा हूं मैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली वो एक्सेस जो टॉर्क वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, याद है ये बताया गया था आपको, कम ऑन, क्या क्लैरिटी है ये? तो आपको वो पर्टिकुलर एक्सेस मिल जाएगी, मतलब ये जो लग रहा है टॉर्क लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर, ये इस डाइपोल को इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में इस डायरेक्शन में घुमाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? याद रखिए इसका जो एक्सिस है, इसका एक्सिस है ऐसा, क्रॉस या डॉट। क्रॉस या डॉट मतलब आप इस डाइपोल से एक एक्सिस लीजिए विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूँ, तो उस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट में ये डाइपोल घूमेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. बात समझ में आई है? पक्का पक्का 100%। गुड, ये देखो सपोज अभी मैं बोलता हूं कि सपोज एक चार्ज प्लस क्यू है और प्लस क्यू से डी डिस्टेंस पे एक डाइपोल है, ये मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, डाइपोल की लेंथ 2L है एंड दिस 2L इज मच मच लेस देन डी। आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द चार्ज ऑन दिस डाइपोल। इसका आपने दूसरा मेथड मैंने आपको पहले कराया था फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन पेयर वाला, उस मेथड से मत जाओ, इसको बेसिक से करने की कोशिश करो। ये माइनस क्यू है, ये वाला चार्ज माइनस क्यू है और ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, तो इस माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, विच विल बी के क्यू क्यू बाई डी माइनस एल, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसे, ये छोटा वैल्यू होगा, विच विल बी के क्यू क्यू अपॉन डी प्लस एल। तो जो एफ नेट आएगा वो आएगा के क्यू क्यू, कॉमन ले लो, वन बाई डी माइनस एल माइनस वन बाई डी प्लस एल। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू, नीचे रहा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैंने सही किया क्या? ओहो मैंने गलत कर दिया, ये डी माइनस एल होल स्क्वायर होगा, सॉरी फोर्स निकाल रहा हूं, तो ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और ऊपर आ जाएगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल डी माइनस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू एल डी, फोर टाइम्स एल डी आएगा। आई होप यू गॉट दिस। अब आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, बिकॉज एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डी, तो डी स्क्वायर के सामने आप एल स्क्वायर को नेग्लेक्टेड मान लो, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाई डी टू दी पावर फोर इंटू फोर एल डी, एक डी कट गया, ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाई डी क्यू इंटू फोर एल। ठीक है, अब आप यहां पे टू क्यू एल को पी बोल दो, सो टू क्यू एल इज पी, तो इट इज टू के पी बाई डी क्यू,
इंटू क्यू, ये आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लियर है ये? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो यू गॉट टू के पी बाई डी क्यूब इंटू क्यू, ये आया आपको, ठीक है। तो ये हमने बेसिक से किया, हमने उल्टा नहीं किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ये नहीं निकाला, बट हमने उल्टा किया, बेसिक से हम गए और हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑल्सो, ठीक है। अभी देखो, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ध्यान से देखो, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और इसके बीच की दूरी 2L है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू इंटू E1 माइनस प्लस क्यू इंटू E2। तो क्यू अगर आप कॉमन ले लोगे, इट विल बी E1 माइनस E2। मॉडुलस अगर हम लेते हैं माइनस क्यू बाहर निकाल के, नेट फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी वो हम बुद्धि से लाएंगे। सो दिस व्हाट वी आर गेटिंग, क्यू इंटू E1 माइनस E2, राइट, दिस इज द फोर्स दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैंने E1 माइनस E2 को, इसको DL से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, और E1 माइनस E2 को DE लिख दूंगा, तो मल्टीप्लाई DL से मल्टीप्लाई किया तो DL से डिवाइड भी कर सकता हूँ। E1 माइनस E2 को क्यों DA लिखा? बिकॉज अगर मैं L को वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू D मानू, तो उस केस में क्या यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत छोटा होगा? तो मैंने जो E1 माइनस E2 था उसको DE लिख दिया, अब मैंने इसे DL से डिवाइड किया और DL से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो DL से मल्टीप्लाई किया, ये DL क्या है? ये DL, ये दो चार्ज के बीच की दूरी है, ऐसे मान लो, क्योंकि ये L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू D, तो इसको मैंने DL मान लिया। ये जो Q इंटू DL है, ये बेसिकली ये आपकी डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो Q इंटू DL जो है, दिस इज योर P, तो P इंटू D अपॉन DL, दिस इज कमिंग एज योर नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस डाइपोल बाय दिस चार्ज प्लस Q। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, यू कैन राइट राइट इट एज पी इंटू डी बाई डी एक्स, दिस इज द फोर्स नेट दैट इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको सिखाया है, दिस इज प्रेजेंस ऑफ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप डाइपोल को रख दो, तो उस केस में आप जो एफ नेट लगेगा वो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट इंटू डी बाई डी एक्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यू विल गेट इट, ठीक है। अभी इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। P, you know, P is equal to Q into 2L into D by DX. So D by DX of electrical field at any distance X from charge Q, kya ho jayega? What is this E? This is the electrical field as a function of X of the charge plus Q. Ye ho jayega KQ by X square. So KPQ D by DX of X to the power minus 2 ho jayega. X to the power minus 2. x to the power minus 3, so it will be minus kp 2 kp by x cube into q. agar tum logically dekhoge, kya last slide mein apna yahi answer aaya tha? dekh, 2 kp by d cube into q, d distance the center se, kya yahan pe bhi usi format mein aa raha hai aapka answer? 2 kp by x cube, what is x? x is the distance of this plus q from the center of the dipole.
क्योंकि हमने x के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट किया है. क्या मेरी बात समझ में आई? तो यू गॉट दिस. क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है? तो अगर कभी भी डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर कभी भी डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो उस केस में उस डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालेंगे? उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल इनटू डीई बाय डीएक्स, जहां पे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्ज प्लस कैपिटल क्यू जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा गया है. क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्या क्लियर है? ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर रखा है, ये आपको रट लेना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स नेट डाइपोल के ऊपर लगता है, इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट इनटू डी बाय डीएक्स. क्या मेरी बात समझ में आई है? और जो इसका साइन होगा वो साइन आप बुद्धि से लगा सकते हो. देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू के ज्यादा करीब है, तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिपल्सिव पावर. तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा तो ये डाइपोल जो है ये शिफ्ट होगा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, इसीलिए जो आपकी फोर्स है वो माइनस टू के पी बाय एक्स क्यूब इंटू क्यू आ रही है. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है ये? चलो हाँ अथर्व बोलो, क्या क्वेश्चन है बोलो. चलो आगे बढ़ो. सो अभी क्या करते हैं, अभी हम ऐसे ऐसे दो डाइपोल ले सकते हैं. ये एक डाइपोल और ये एक दूसरा डाइपोल. इसका डाइपोल मोमेंट मान लो P1 है, इसका डाइपोल मोमेंट मान लो P2 है. व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय डाइपोल P1 ऑन डाइपोल P2? सोचो लॉजिकली. सर रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज देयर आर टू डाइपोल्स P1 एंड P2 व्हिच आर केप्ट इन दिस पर्टिकुलर दिस ऑर्डर. इस तरीके से रखा गया है, ठीक है? तो बताइए व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय वन डाइपोल ऑन द अदर? That is the force of interaction between the two dipoles. What is the force of interaction between the two dipoles? Distance, okay. मान लो ये distance d है और ये दोनों डाइपोल की जो लेंथ है ये 2l मान लो. एक काम करो, दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट pp ही मानो. और डाइपोल की लेंथ है 2l, क्या होगा? देखो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मान सकते हो, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मान सकते हो. तो बेसिकली हो क्या रहा है, सुनो, ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, विच विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर. और ये प्लस क्यू इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, विच विल बी के क्यू क्यू बाई, इसको यहां नहीं लिखता हूं, ये जो फोर्स होगी, सॉरी, ये हो जाएगी के क्यू क्यू बाई, इसको मैं सपोज बोलता हूँ सी, तो सी कितना हो जाएगा, सी विल बी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस टू एल का होल स्क्वायर, ठीक है? तो के क्यू क्यू बाई सी स्क्वायर होगा, इस डायरेक्शन में होगा. सिमिलरली गाइस प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट कर लो, किसी का तो माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज जिसका भी अनम्यूटेड है म्यूट कर ले प्लीज अपने आप. ध्यान सुने,
सी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस अंडर टू एल स्क्वायर. अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये माइनस क्यू सिमिलरली इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये माइनस क्यू इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अगेन. ठीक है, अब लॉजिकली सोचो, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, इन फोर्सेस के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर, और इसका आएगा एक आएगा इधर और एक आएगा इधर. ठीक है, तो लेट्स सी, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना हो जाएगा, दिस विल बी के क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इनटू दिस पर्टिकुलर एंगल. ये एंगल अगर मान लो थीटा है, ठीक है, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा. ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉस थीटा आ गया इधर वाला कंपोनेंट, एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज डी अपॉन अंडर रूट ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज व्हाट इट इज बेसिकली सी. तो इट इज के क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इनटू कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस इज डी अपॉन सी. फाइनली इसका भी आएगा इस तरफ वाला कंपोनेंट व्हिच इज k q square by c cube into d. And what is c? C is under root of d square plus 2l square. तो जो net force आ रहा है, वो आ रहा है 2k q square by d square, ये दो forces, minus 2 times k q square into d by c cube, which is d square plus 2l ka whole square to the power 3 by 2. तो आप अगर चाहो तो 2kq2 by d square आप कॉमन ले लो. तो अगर आप 2kq2 by d square कॉमन ले लो तो इट विल बी वन बाय डी इंटू नहीं वन नहीं वन बाय नहीं It will be d cube by d square plus 2l ka whole square to the power 3 by 2. अभी आप यहाँ पे चाहो तो approximation कर सकते हो कि 2l must be very very less than d. अगर ये approximation ले लिया जाए तो it will be d cube by d cube. तो ये approximation अगर लेते हैं तो यहाँ पे net force of interaction क्या आ रही है, जीरो आ रही है. क्या मैंने सही किया है, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर 2l को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा डी क्यूब, और 1 माइनस डी क्यूब बाई डी क्यूब ही आएगा. ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी. तो नेट इंट्रैक्शन जीरो आ जाएगा अगर हम 2l को नेग्लेक्ट मान लेते हैं, मतलब इफ वी नेग्लेक्टेड, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ये टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा नेट फोर्स इनके ऊपर. ठीक है, लेकिन इसी सवाल को अगर मैं डायपोल को ऐसे रखूं, तो एक डायपोल को ऐसे रखा, दूसरे डायपोल को ऐसे रखा, तो इस केस में वो जीरो नहीं होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टेक दिस एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. इसको कैसे बनाओगे तुम? टेक दिस एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर है, पक्का? अब इसका एक और वर्जन क्या होगा, इसको एक होमवर्क प्रॉब्लम की तरह लो, ट्राई करना इसको. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन लिया, डिड यू अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन दिस अप्रोक्सीमेशन, तो ये आंसर आ रहा है. अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ना लूँ तो ये आ जाएगा नेट फोर्स, और अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ले लूँ तो वो जीरो आ रहा है. मैंने सब कुछ सही किया है, एक बार ध्यान से देख लो कैलकुलेशन. ठीक है, ओके. अब मान लो मैंने ऐसा कुछ लिया डाइपोल का, एक डाइपोल ऐसा है और दूसरा डाइपोल ऐसा है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बताना है, कैसे बताओगे?
कैसे इसको सॉल्व कर सकोगे? आपको इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए E1 और इस पॉइंट पे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए E2, बिकॉज इनके बीच की दूरी बहुत छोटी है, तो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P into dE by dx. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा. तो डाइपोल मोमेंट P into dE by dx. तो dE by dx इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा, ये डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस है d1 और ये डिस्टेंस है d2. अब इन दोनों के बीच की दूरी काफी डिफरेंट, मतलब बहुत ही छोटी होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो d by dx, तो आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन डिस्टेंस x निकाल लो, और x निकालने के बाद वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट एनी डिस्टेंस x, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बिकॉज इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इज इट एन इक्वेटोरियल पॉइंट? तो क्या जिधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, क्या उसके अपोजिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यार रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है यार, अप्लाई कर पा रहे हो क्या? क्या आपको सिखाया गया था कि डाइपोल मोमेंट में इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, क्या उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है? और वो वैल्यू होती है के पी बाय आर क्यूब, यस और नो? बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी के पी बाय एक्स क्यूब. एक्स दूरी पे लिया है आप, ये के पी बाय एक्स क्यूब की जो डाइपोल मोमेंट है पी टू, ये पी टू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा. तो यू हैव टू डू डी बाई डी एक्स ऑफ के पी टू बाई एक्स क्यूब, और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या? अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है डी बाई डी एक्स, तो एक फोर्स ये माइनस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट लगेगी, इधर लगेगी. ये सॉरी, ये प्लस प्लस चार्ज है, सॉरी, इसके ऊपर इधर लगेगी और माइनस चार्ज के ऊपर इधर लगेगी. तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक नेट टॉर्क बनेगा? क्या आपको समझ में आया है? ये ध्यान से देखो, दो डायपोल ऐसे रखे गए हैं, कंफ्यूज मत हो. एक डायपोल ऐसा है और इसके इक्विटोरियल पॉइंट पे एक दूसरा डायपोल रखा हुआ है, लाइक दिस, इस तरीके से. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस डायपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इस डायपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इस एंड पे E1 into जो भी दूरी है यहाँ पे. अगर x दूरी, d दूरी लो, तो ये d माइनस l है और ये है d प्लस l. एंड l इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू d. ये अप्रोक्सीमेशन. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? क्या ये पॉजिटिव प्लस q चार्ज है और ये नेगेटिव माइनस q चार्ज है? तभी तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी हुई. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी के पी, ये P2 मान लो, ये P1 मान लो, के पी टू अपॉन डी माइनस एल का होल क्यूब, यस और नो, इनटू प्लस क्यू. और ये माइनस क्यू के ऊपर किधर लगेगा? ये लगेगा इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज. इट विल बी हाउ मच? के पी टू इनटू क्यू बाय डी प्लस एल का होल क्यू. सो नेट फोर्स हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस. तो तुम चाहो तो के पी टू क्यू कॉमन ले लो. इट विल बी वन बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल क्यूब, और इधर आ जाएगा डी प्लस एल का होल. गाइज कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू ऑल हियर मी? Guys, there was a net problem. Can you all hear me now? Okay. Just a moment. Okay. ठीक है. तो मैं जो लास्ट स्लाइड में बोल रहा था कि आपको इस डाइपोल के कारण इसके एक्सियल पॉइंट पे जो दूसरा डाइपोल रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी E1 और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी E2.
इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर लगेगी और यहाँ पे लगेगी इस डायरेक्शन में। क्या आपको लगता है कि ये दोनों के कारण इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा? ठीक है, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगी? नेट फोर्स हो जाएगी, ये वाला ज्यादा बड़ा फोर्स होगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। दिस विल बी अ बिगर एरो एंड दिस विल बी अ स्मॉलर एरो। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इस डाइपोल की इक्विटोरियल पॉइंट पे ये वाला पॉइंट की दूरी है d प्लस एल और ये वाला पॉइंट की दूरी है d माइनस एल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जहां पे d क्या है, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल रेड वन टू द जो वर्टिकल डाइपोल रखा हुआ है वो। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? ध्यान से देखो, क्या आपको ये बात समझ में आई है? पक्का? आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। क्या बात समझ आई है आपको? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को एम्प्लॉय कर सकते हो? ऐसे बहुत से वेरिएंट मिलेंगे, इसका एक और वेरिएंट होता है। जितना क्लास में करा दे रहा हूं अगर वो भी समझ में आ जाए तो बहुत है। ये देख, एक डाइपोल ऐसा रखा हुआ है और दूसरा डाइपोल जो है वो ऐसा रखा हुआ है। एट सर्टन एंगल सपोज ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, अब क्या करेगा? बेसिकली इस डाइपोल के तुम दो कंपोनेंट्स लोगे, राइट? इसके दो कंपोनेंट्स करोगे, एक करोगे वर्टिकल और एक करोगे हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और इस वर्टिकल के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। ठीक है, एंड देन यू विल सी की व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन। ये दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी है, इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी डी दी हुई है और दोनों डाइपोल की लेंथ है 2L। दोनों फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है, दोनों एक सर्टेन एंगल पे है। सोचना है इसको, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट दिस, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक होमवर्क दिया मैंने, ध्यान से देखना। दो होमवर्क दिए हैं, एक प्रीवियस स्लाइड में दिया था, अभी फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब अगर तुम देखोगे कि अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखूं, सपोज आई कीप अ डाइपोल लाइक दिस, और एक डाइपोल ऐसा रखता हूं, ठीक है? अब देखो, और एक डाइपोल ऐसा रखता हूं, ठीक है? ध्यान से देखो, तो ये प्लस क्यू या माइनस क्यू, इस प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा क्या वो इस तरफ लगेगा, विच विल बी क्यू ई नॉट, और ये माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, विच विल बी इक्वल टू क्यू ई नॉट। डायरेक्शन दोनों का रिवर्स है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ क्यू ई नॉट और इसके ऊपर लगेगा इस तरफ विच इज क्यू ई नॉट। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ क्यू ई नॉट और इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ विच इज इक्वल टू क्यू ई नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर तुम देखोगे ध्यान से, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, इन तीनों में क्या एफ नेट जो बॉडी के ऊपर लग रहा है क्या वो जीरो है? नेट फोर्स बॉडी मतलब डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इट जीरो? बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते तुम, चुप रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे भाई। प्लीज डोंट मेक माई टास्क हेल डिफिकल्ट, आपको रेस्पॉन्ड करना है। क्या मैंने जो लिखा है आपको समझ में आ रहा है? ये तीनों डाइपोल में जो नेट फोर्स लग रहा है क्या वो जीरो है? नेट फोर्स जीरो है? अच्छा, इसमें नेट टॉर्क कितना है? जीरो। वेरी गुड। इसमें
क्या इसमें भी नेट टॉर्क जीरो है? यस, क्लियर है। अब ये वाला देखो, थर्ड वाला, इसमें नेट टॉर्क, नॉट जीरो, वेरी गुड। इसमें टॉर्क नेट जीरो नहीं है। तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि अगर एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क नेट भी जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क नेट जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर एफ नेट जीरो होगा तो टॉर्क नेट जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? गुड। तो एफ नेट जीरो है तो टॉर्क नेट जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर, राइट? अच्छा, लेकिन याद करो रोटेशनल मोशन, अगर आपको रोटेशनल मोशन याद आ रहा है तो रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एफ नेट जीरो होगा देन टॉर्क नेट जीरो हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी, क्या कोई बता सकता है क्या पढ़ी थी? अगर एफ नेट जीरो होगा तो टॉर्क नेट जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। बट टॉर्क नेट की जो भी वैल्यू होगी, बोलो भाई, ये सब बेसिक्स है, ये सब के ऊपर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ जाएगा, इतना अच्छे से पढ़ाया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एफ नेट अगर जीरो है तो टॉर्क नेट जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। बट टॉर्क नेट की जो भी वैल्यू होगी वो दुनिया जहां के किसी भी पॉइंट के अबाउट में क्या होगा? इक्वल होगा या सेम होगा? क्या क्लैरिटी यही है? क्या मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर एफ नेट जीरो होगा तो टॉर्क नेट जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। बट टॉर्क नेट की जो भी वैल्यू होगी वो दुनिया जान के किसी भी पॉइंट के अबाउट में सेम होगी। क्या ये बात आपको बताई गई थी? हाँ ना, पता नहीं, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते तुम। तुम चुप रहोगे तो यू वुड लूज द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ ना, पता नहीं, हाँ ना, पता नहीं, क्या क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। तो अब सवाल है कि जो टॉर्क नेट है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट में सेम होगा, बोल रहे हो सर आप। तो इस फॉर एग्जांपल इस डाइपोल के लिए हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट में हमें खोजना चाहिए आइडियली? इस डाइपोल के लिए हमें टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट में खोजना चाहिए? वेरी गुड, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये हिंज्ड नहीं है। क्यों सेंटर ऑफ मास? क्योंकि ये हिंज्ड नहीं है। अगर हिंज्ड होता तो हम हिंज पॉइंट के अबाउट में निकालते हैं। क्या टॉर्क निकालने के दो प्रिफर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा, बोलो प्रिफर्ड पॉइंट्स? पहला, यार तुम लोगों को कुछ नहीं आता यार, हिंज। दूसरा, अगर हिंज ना हो तो, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, वेरी गुड वेरी गुड, आता है आता है आता है आता है, चिंता मत करो, मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूँ, दुखी मत हो, नहीं बोलने से तुम लोग रेस्पॉन्ड भी नहीं करोगे। तो एफ नेट जीरो तो टॉर्क नेट जीरो, टॉर्क नेट जीरो मतलब एफ नेट जीरो तो मतलब टॉर्क नेट जीरो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो जो भी होगा वो दुनिया जान के किसी भी पॉइंट के अबाउट में सेम होगा। तो इस प्रीवियस केसेस में हम टॉर्क नेट निकालना चाहेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, तो बता टॉर्क नेट कितना हो जाएगा? क्या टॉर्क नेट हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है, क्या ये हो जाएगा क्यू ई नॉट इंटू एल साइन थीटा, और सिमिलरली माइनस क्यू ई नॉट इंटू एल साइन थीटा, क्या ये टू टाइम्स हो जाएगा? तो विच विल बी क्यू, ये डिस्टेंस सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस भी एल होगा, तो क्यू इंटू टू एल जो होगा वो पी हो जाएगा। क्या आपको ये पी ई नॉट साइन थीटा आता हुआ दिखाई दे रहा है? अब लॉजिकली यहां से अपने को ये आइडिया मिलता है कि जो टॉर्क है, ये टॉर्क होगा इधर, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बी आइदर पी क्रॉस ई और ई क्रॉस पी। अब लॉजिकली बोल, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन किधर है?
टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, लॉजिकली सोच के बोल। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ करेगा तो वो अंदर की तरफ जा रहा है। आर आर वेक्टर देख, आर वेक्टर तू एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही निकालेगा ना, ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। आर क्रॉस एफ कर क्या है, ये बोर्ड के अंदर, व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो पी और ई देख, पी वेक्टर ये वाला वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, ई नॉट या ई जो भी बोल ले। तो क्या होना चाहिए तुमको, पी क्रॉस ई तुमको रिजल्ट देगा या ई क्रॉस ई रिजल्ट देगा, ई क्रॉस पी देगा या पी क्रॉस ई देगा, सेम डायरेक्शन में टॉर्क। अरे यार तुम्हें पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है भाई, तुम सब सन्नाटे हो, सारे सन्नाटे एक साथ, एक ही जगह सारे सन्नाटे आ गए। तो पी क्रॉस ई ये सही है, ई क्रॉस पी गलत है, क्योंकि ई क्रॉस पी करोगे तो वो बोर्ड के बाहर आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड के। तो आपका आंसर आएगा पी क्रॉस ई। इसका मतलब हमने ये सीखा कि दुनिया जहान के अबाउट में टॉर्क नेट अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट में निकालूं तो वो मेरे को लॉजिकली मिलेगा पी क्रॉस ई, जहां पे पी है डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये है टॉर्क नेट वेक्टर या वेक्टर फॉर्म में टॉर्क, विच इज पी क्रॉस ई। क्या मेरी बात समझ में आई है? याद रखना यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हो, जब तुम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल होगा, तो दैट विल बिकम एम क्रॉस बी। याद रखना क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। गाइज प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आई हैव एक्सीडेड टाइम, आई विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।